प्यारे साथियों, आज अपन जो भी आपके कमेंट्स आए उनके आधार पर बात कर लेते हैं कि फोरम है वो कब अपलोड होंगे। देखो दोस्तों, जो अपडेट आ रही है कि जो फोरम है वो अक्टूबर के लास्ट में कुछ ही संख्या में अपलोड होंगे, ठीक है ना। यदि मान लो जो अक्टूबर में जिनके फोरम साथियों बंद होंगे, तो उनमें जो भी संख्या है साथियों, जैसे मान लो भाई 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है, जितने साथियों के फॉर्मों को बंद किया जाएगा उनके स्थान पर नए फॉर्मों को अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। वैसे इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है काफ़ी साथी मैसेज कर रहे 2,00,000 फॉर्म है वो अपलोड होंगे या नहीं होंगे। साथियों, 2,00,000 फॉर्म अपलोड नहीं होंगे, वो सिर्फ इंटर्नशिप लागू होने के बाद ही होंगे, ठीक है। अभी इंटर्नशिप की कोई भी सूचना है नहीं वैसे भी, ठीक है। भत्ता स्टॉप क्या किस्त आएगी, देखो दिन का 2 साल हो चुका है, भत्ता स्टॉप हो चुका है। यदि आपकी 24 किस्त नहीं आई है तो टेंशन ना करें, आपकी किस्त आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 4,500 या 4,000 मिलेंगे अब से। देखो भाई, जिनके फॉरम अभी सितंबर माह में क्या हुए थे, अपलोड हुए थे, तो आपको पुराने सिस्टम से ही पेमेंट मिलेगा, न कि नए सिस्टम से। पुराना सिस्टम मतलब 3,350 के अनुसार ही आपका पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि इंटर्नशिप लागू होगी या नहीं। देखो साथियों, इंटर्नशिप जो कि ऐसी संभावना लग रही है कि इंटर्नशिप का लागू होना मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सरकार इसके बारे में अभी कोई भी विचार है नहीं, तो ऐसा लग रहा है या तो ये इंटर्नशिप लागू होगी तो साथियों इसमें बहुत ही लंबा समय लगने वाला है, ठीक है। और जो मेरे भाई जो नए साथी हैं, जो बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा वेरीफाई फॉर्म पड़ा हुआ है, 2021 में फॉर्म भरा हुआ है, तो मेरे दोस्तों देखो भाई, आपका फॉर्म अपलोड तभी होगा, ठीक है ना, जिन्होंने 2021 में फॉर्म को भरा है। तो मान कर चलो कि 2022 की शुरुआत में आपके फॉर्म को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और काफियों का मैसेज ये भी आ रहा है कि क्या जो 2 महीनों का बिल है एक साथ आएगा आगे पीछे। दोस्तों, आगे पीछे आपका बिल आएगा, एक साथ कभी भी पास नहीं होता है, ठीक है।